जिस बात का डर था वही चाहता हूँ आप लोग से कि मैं आपको ऊपर नहीं जा करके देखा क्योंकि फोला हे गाइस गुड मॉर्निंग ऑल मिथिला राइटर फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो सस्पेंस है, वीडियो में बने रहिए, आगे आप सभी को पता चल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रूम से निकलते ही हम आ गए हैं अपने ऑफिस के पास और ये 15 अगस्त की तैयारियां हो रहा है अभी। और आप लोग देख सकते हो तो काफ़ी आदमी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो निकलते हैं, तो फाइनली अभी हम लोग रूम से निकल करके लगभग 15-20 किलोमीटर दूर आए हैं और ये पुणे हाईवे है। तो हम लोग अभी पुणे हाईवे पर आ चुके हैं और थोड़ा सा जंगल पानी करने के लिए रुके हुए थे, तो बाकी सब आदमी इधर है और बाकी चलते हैं। तो हम लोग पुणे हाईवे पे अभी चढ़ चुके हैं और 4 लेन का हम लोग को हाईवे मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आने वाला है इस हाईवे पे। और आप देख सकते हो चारों साइड ग्रीनरी है और 4 लेन का हाईवे है, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आज हम लोग। और ये हमारे साइड में थोड़ा सा देख सकते हो आप, थोड़ा सा के पूरा ही देखो, एक छोटा सा मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है और मोनेस्ट्री टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे एक बिल्डिंग भी है, ये कुछ चीज़ है इसके बारे में तो पता नहीं। और एक गेट टाइप का बना हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से पहाड़ी हम लोग को दिखना शुरू हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो में, आगे हम लोग जहाँ पहुँचते हैं आपको अपडेट देते हैं। तो लगभग हम लोग 100 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली अकोला पहुँच चुके हैं। ये सिटी है अकोला और इस शहर के अंदर हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो दोनों साइड से इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो भाई इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। इंडिया में हर घर तिरंगा जो पीएम साहब का आदेश है। और ये देखिए भाई साहब को जाना है लेफ्ट और घुमा लिए राइट, ये भी हमारा 2 मिनट बर्बाद कर दिए यहाँ पर। बाकी सब ठीक है, अकोला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं और आगे का आप लोग नज़ारा देखिए। और ये हमको तो एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि दोनों साइड इंडियन फ्लैग जो लगाए हुए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा हूँ। बाकी चलते हैं आगे, कहीं चाय ताय पियेंगे। दो चाय और दो चाय, एक चाय दो चाय और तो फाइनली हम लोग अभी यहाँ पे चाय का चुस्की ले लिए हैं और 2 घंटे के बाद हम लोग ब्रेक लिए हैं। तो अभी सीधा चलते हैं हरिचंद्रगढ़ और वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा तो खाएंगे, उसके बाद सीधा ऊपर पहाड़ी पे आपसे मिलेंगे। ये छोटा सा स्टॉल है और यहाँ पे हमने रुका था, अभी भी लकड़ी बिक रहा है, देख लीजिए छोटा सा स्टॉल है। ये सब हमारे टीम वाले हैं। तो बिल्कुल ही जिसका हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ होने वाला आज हम लोग के साथ था। और ये पूरा पहाड़ों के बीच हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे और हम लोग एक बहुत बड़ा वाटरफॉल दिखा है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं और वहाँ का व्यू और नज़ारा आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे। और पब्लिक भी हमने देखा बहुत ज़्यादा भर भर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले चलते हैं, गाड़ी साइड में कहीं लगवाते हैं, फिर आपसे मिलके आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा दूर और ट्रेवल करके आए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़ारा व्यू है। तो हमारे साथ में सब आ गए हैं, अभी देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा आदमी और 2-4। तो आप लोग को एक खूबसूरत नज़ारा दिखाने का टाइम आ गया है अभी। और हमारे पीछे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई है और आपको मैं पीछे का नज़ारा दिखाऊं तो ये देखिए क्या व्यू है यार, गजब। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा नज़ारा है। और ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा व्यू है, अच्छा आ रहा है, देख लो। और ये बैक साइड से देख लो कितना ज़्यादा आदमी आ रहा है, कितना ज़्यादा गाड़ी का क्रश है यहाँ पे। और चलते हैं, हमारे साथ वाले सब वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ पहले चलते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं वाटरफॉल के पास और आप देख सकते हो और हमारे साथ वाले सब हैं, कैसा लग रहा है
मजा आ रहा है। सब आदमी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ आदमियों का। ये थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली अभी मैं थोड़ा ऊपर पहुंच चुका हूँ और ये हमारे पीछे अब व्यू देखो भाई, काफी ज्यादा आदमी यहाँ पे आ चुके हैं और भीड़ काफी ज्यादा उमड़ रहे हैं और एक से एक नजारा है यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वाटरफॉल के पास से हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आए हम लोगों को। तो फाइनली आप लोग को पता चल ही गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हो तो आप लोग आए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो फाइनली चलो रिवील कर देता हूँ मैं, हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ जा रहे हैं और ये पूरा पहाड़ों का बीच में है और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आने वाला है इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मिथिला रेडर विकास सेम नाम है। तो आप लोग व्यू देखिए और अभी हम लोग पूरे पहाड़ों के ऊपर से चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोग पहले एक बार इन्जॉय कीजिए, फिर आपसे हम लोग कहीं रुक करके मिलते हैं या कहीं रुकेंगे तो आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे। और आप लोग पहले एक बार पूरा व्यू का नज़ारा लीजिए। तो हम लोग जो सोचा नहीं था वो भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पहाड़ों पे धान की खेती हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो रहा है, काफ़ी, ये देख लीजिए आप हमारे साइडों में ये सब धान की खेती है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इधर जितने भी छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धान की खेती हो रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि पहाड़ों पर इतने अच्छे खेती होते होंगे, बट यहाँ पर हमें दिखा, जो चीज़ हमने सोचा नहीं था वो चीज़ हमें सामने दिख गया। तो हमें बिलीव हो गया कि हाँ भाई पहाड़ों पे कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ है पहाड़ पे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय आने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और ये व्यू देखो, बारिश हो रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ गिर रहा है। और इसके आगे वाले व्यू देखो, वाटर क्रॉसिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी बड़ा वाटर क्रॉसिंग है, आप देख सकते हो वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग रुकना चाहते थे बट रुक नहीं पाए। बाकी एक चीज़ और, ये वाटरफॉल देखो गाइस, ऊपर से कितना ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर आ करके कितना भी हो रहा है काफ़ी। तो जिस बात का डर था वही हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और फाइनली हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ पहुँच चुके हैं और पीछे हमारे देख सकते हो आप लोग। तो अभी ऊपर चढ़ने का प्लान हो रहा है, 8-10 आदमी है भाई साहब, बारिश देख के ही फटी पड़ी है हम लोग का। देखते हैं आगे क्या होता है, चढ़ेंगे ऊपर तो ठीक है, नहीं तो जो जाएगा वो आएगा वीडियो लेकर के, फिर आप जैसे मेंशन कर देंगे। तो एक बार ये व्यू देखो आपको कैसा लग रहा है, गजब का व्यू है बॉस। तो फाइनली पहाड़ चढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं जाकर के, क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ का गेट पे पहुंच चुके हैं और ऊपर देख सकते हो बैनर लगा है, ये विकास भाई हमारे साथ वाले। अभी हम लोग सस्पेंशन में है 10 से 12 आदमी और ऊपर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आगे बारिश बहुत तेज़ी हो रहा है और ये और आदमी इधर गाड़ी के पास है और बारिश बहुत तेज़ हो रहा है भाई, गाड़ी में चलते हैं पहले।
भाई तो हम लोग के साथ जो 10 आदमी थे एक्स्ट्रा वो तो चले गए हैं, बाकी बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से हम नहीं जा पाए हैं। और अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो सोचे कि तबीयत ख़राब पहले से ही है, अगर अभी चले गए हैं बारिश में भीग गए हैं, जाना आना ऊपर से फिर रूम पे 2 घंटे जाना तो लगभग तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसके वजह से हम नहीं जा रहे हैं। जो लोग गए हैं मोबाइल लेकर के उनको बोला हूँ कुछ क्लिप अगर लेके आएंगे तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, बाकी आप लोग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से कि मैं आपको ऊपर नहीं जा करके दिखा पाया, फिर कभी आएंगे तो ज़रूर आपसे दिखा आप लोगों को दिखाएंगे। तो आगे इस वीडियो में मैं थोड़ा सा व्यू मेंशन कर देता हूँ, ऊपर का क्लिप हमें नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने के कारण कोई मोबाइल नहीं निकाल पाए इसके वजह से, और ये नज़ारा लो थोड़ा सा आप, मैं यहाँ का व्यू मेंशन कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।